हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा जायरोप्लेन्स को यूज़ किया जाता है, जिनको लीयिंग या फिर फैल्कन कहा जाता है। तो ये जो जायरोप्लेन्स हैं, इसमें 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो पायलट होता है, और बाकी 2 जो होते हैं वो आपके नॉर्मल सोल्जर्स हो सकते हैं जो कि आर्म्ड हो सकते हैं। बाकी इसमें एक सेंसर टरेट भी लगाया जा सकता है जो कि लेज़र गाइडेंस दे सकता है और रिकॉग्निशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। बाकी 2 छोटी मिसाइल्स भी यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, और जैसा फ़ोटो से लग रहा है ये AR-2 शॉर्ट रेंज की सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेंस वाली मिसाइल हो सकती हैं, जो कि करीबन 20 किलोग्राम की मिसाइल्स हैं और 5 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती हैं और मैक्सिमम 8 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो ये नॉर्मल आर्मर्ड व्हीकल के लिए और एंटी पर्सनल रोल्स के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो ऐसी 2 मिसाइल्स यहाँ पर कैरी करी जा रही हैं, जैसा कि फ़ोटो में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इंजन लगा है ये 130 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि इसको 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर क्रूज करा सकता है। और बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 70 लीटर के आसपास फ्यूल आ सकता है, और ये स्नो से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसका व्हील्ड वर्जन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ मॉडिफिकेशन करने के बाद ये पानी में भी लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। बाकी ग्लोबल टाइम्स की माने तो ये अराउंड 630 किलोग्राम्स का पेलोड जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये इंजर्ड सोल्जर्स को भी मूव कराने में हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत ग्राउंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सकता है। तो अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो चाइना की ये जो जायरोप्लेन है ये स्पेशली चाइना के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर रीजन के लिए बनाए गए हैं, और इनकी जो प्लेटियो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि ये स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट में डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये बात आपको बता दें कि जो जायरोप्लेन होते हैं वो हेलीकॉप्टर जैसे दिखते ज़रूर हैं, पर ये हेलीकॉप्टर होते नहीं हैं। इनका जो ऊपर मेन रोटर दिखाई दे रहा है ये ऑटो रोटर है। मेन पावर जो है इनकी वो पीछे आती है जहाँ पर प्रोपेलर लगा हुआ है, और जो इंजन है वो प्रोपेलर को ड्राइव करता है। तो इंजन जब प्रोपेलर को ड्राइव करता है तो ये जो व्हीकल है वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिसके वजह से जो एयर होती है वो मेन रोटर के ऊपर से पास होती है और मेन रोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है, जिससे इसको लिफ्ट मिलती है। तो जो मेन रोटर है उसमें कोई भी पावर नहीं जा रही होती है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह से टेक ऑफ नहीं कर सकता। प्लस हवा भी यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल्दो हवा जो है वो किसी भी फिक्स्ड विंग या फिर हेलीकॉप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो छोटे जायरोप्लेन्स हैं ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल होते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर हवा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इनकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में हवा जो है वो और भी ज़्यादा थिन हो जाती है। तो इनके रोटर्स को प्रॉपर रोटेशन का मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जो IC इंजन यहाँ पर यूज़ किया जाता है वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पावर ड्रॉप जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि अगर इनको हायर एल्टीट्यूड में यूज़ किया जाएगा तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गिरेगी। और इनकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है जहाँ तक ये ऑपरेट किए जा सकते हैं, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स द्वारा ही क्लेम किया जा रहा है, ये 4200 मीटर्स की है। और अगर आप 4200 मीटर की इसकी ऑपरेशनल सीलिंग मान के चल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर खाली पायलट ही फ्लाई कर रहा होगा और पीछे कोई पैसेंजर्स जो हैं वो नहीं बैठे होंगे, साथ ही साथ कोई वेपन पेलोड भी नहीं कैरी किया गया होगा। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, इसकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 4200 मीटर है, और जो पैंगोंग सो लेक की ऊंचाई है वो ऑलमोस्ट 4400 मीटर बताई जाती है। यानी कि अगर चाइना द्वारा इन मॉस्किटोज़ को इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है तो ये इन्हीं के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये अपनी एब्सोल्यूट लिमिट में ऑपरेट हो रहे होंगे, जो कि इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देगा। और शायद यही रीज़न है कि अभी तक के स्टैंड ऑफ में हमने इनके यूसेज को नहीं देखा है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं, पर प्रैक्टिकली हायर एल्टीट्यूड के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं होंगे, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और जो जायरोप्लेन्स है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठते। ऑल्दो दिखने में काफ़ी क्यूट है और हो सकता है नॉर्मल एरियाज़ में लीथल भी हो, पर यहाँ पर इनका कोई ज़्यादा यूसेज जो है वो नज़र नहीं आता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हो। बाकी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें लिंक्डइन पर भी फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें जिसको हम रिवाइव कर रहे हैं, और बेटर आर्टिकल्स जो हैं हम वहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं। साथ में आपको लेटेस्ट अपडेट हेडलाइंस जो हैं वो भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिन्हें हम डेली अपडेट करते हैं। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।